सितारे रहेंगे, हम एक दूसरे के सहारे रहेंगे। नजदीकियां क्या हो दूरियां, बस प्यार ही रहेगा दरमियान। नहीं धूप कहां ठंडी छाया देगा हरदम, पवित्र रिश्ता पवित्र रिश्ता तेरे मेरे मन का, पवित्र रिश्ता पवित्र रिश्ता तेरे मेरे मन का। अर्चु की जिंदगी बर्बाद करके रख दी इन लोगों ने, सुख का एक दिन भी नहीं बिता पाई वो इन लोगों के घर पर। जेल की सलाखों के पीछे सड़ रहे हैं उस पल को कोस रहे जब मानव की शादी अर्चु के साथ नहीं हुई थी। अब हम तुमसे रिश्ता तोड़ चुके हैं, इसलिए तुम्हारे साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है इसमें हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। इसको मत मारिए प्लीज, इसको मत मारिए, आपको जो करना है मेरे साथ नहीं। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, हमारे सामने इस मौके को और भी खूबसूरत बनाने के लिए आ रहे हैं विनोद दादा और मंजुषा वहिनी। विनोद, अगर तुम्हें इस बारे में पता था तो मुझे पहले क्यों नहीं बताया? तुम चलो ना। ये गाना हम डेडिकेट करते हैं अपने आई और बाबा को, उनके प्यार को, उनके उस पवित्र रिश्ते को जो 30 साल के बाद भी उतना ही नया और उतना ही मजबूत है। 30 साल पहले अग्नि को साक्षी मानकर किया हुआ वादा वो आज भी उसी भरोसे के साथ निभा रहे हैं। आई बाबा, वी आर प्राउड ऑफ यू, वी रियली लव यू। मान ली तेरी बात, नहीं हाथ लगा दे तेरी बहन को। एक बात बता, तूने अपनी बीवी पर हाथ क्यों नहीं लगाया? अरे मैंने सुना है कि शादी से लेकर तलाक तक तुम दोनों के बीच साथ साथ नहीं सोए। माजरा क्या है, नामर्द है क्या तू? अरे याद आया,
तू तो फॉरेस्ट रोड का रेगुलर कस्टमर है, रोज रात को पैसा लेकर वो बाजार औरतों के साथ रातें रंगीन करता है, और जैसे एक बार बाहर की बिरयानी की लत लग जाती है तो उसे घर की खिचड़ी रास ली जाती है ना? वाह क्या परिवार है, बाप बेवड़ा माँ लालची, अरे बेटा अय्याशी। क्या रे बेवड़े साले, तू तो कह रहा था तेरा परिवार बड़ा संस्कारी है, ये साला तेरा संस्कारी परिवार? क्या रे साले, इसी वजह से तुम दोनों अलग रहते थे या दूसरी और कोई वजह? जी, मुझे लगता है यही सही वक्त है सबके सामने रिश्ते का अनाउंसमेंट करने का। हाँ ताई, वैसे भी चारों तरफ इतनी खुशी का माहौल है कि ये बात सुनकर तो खुशी और दुगनी हो जाएगी। आप बैठिए, मैं अभी आई। सुनिए, जरा सब लोग यहाँ ध्यान दीजिए, मैं आप लोगों से कुछ कहना चाहती हूँ, आप लोगों को कुछ बताना चाहती हूँ। बैठिए। आप लोग अपना समय निकाल कर यहाँ आए और हमारी खुशियों में शामिल हुए, इसलिए हम सब आपके बहुत बहुत आभारी हैं। आज यहाँ आए हुए लगभग सारे लोगों ने मुझे एक ही सवाल पूछा, मेरी बेटी के बारे में, अर्चना के बारे में, कैसा होगा उसका भविष्य। आज मैं और अर्चना के बाबा हमारी शादी की 30वीं सालगिरह मना रहे हैं, और हमारी बेटी अर्चना क्या अपनी शादी की पहली सालगिरह मना पाएगी? सब लोगों को बड़ी चिंता हो रही है मेरी बेटी की। कुछ लोगों ने तो ये भी पूछा कि आपके बाद कौन देखेगा इसे, कौन संभालेगा। अरे जब अपना कहा है तो सवाल पूछने का हक भी तो देना पड़ेगा ना। मैं आपके अपनेपन की कद्र करती हूँ, जो हमसे खून से जुड़े हैं उनकी भी, और जो हमसे प्यार से जुड़े हैं उनकी भी। खास करके मेरी ये सहेलियां निर्मला, कांता, उमा, जो मुझसे सगी बहनों से भी ज्यादा जुड़ गई, मुसीबत के हर पल में इन्होंने मेरा साथ दिया है, मेरा हाथ थामा है। याद है ना, हमारा रिश्ता शुरू हुआ था सब्जी मंडी से, लेकिन आज वो रिश्ता हमारे घरों तक ही नहीं, हमारे दिलों तक पहुंचा। इसीलिए तो निर्मला की बेटी को मैं अपनी बेटी मानती हूँ, और मेरी बेटियों को ये अपना मानती है। रिश्ते बने हैं तो निभाए भी हैं, इसीलिए अर्चना को लेकर जो जो सवाल मेरे सामने आया मैंने सभी का स्वागत किया। कुछ कुछ सवाल हमदर्दी में लिपटे हुए थे, लेकिन उनके पीछे छुपी खुशी मुझे महसूस हो रही थी। अब क्या होगा इन लोगों का, अर्चना का तो कुछ नहीं होने वाला, ये सोचकर खुश होने वाले लोगों को जवाब देने के लिए
और मेरे सारे हमदर्द, मेरे सारे रिश्तेदारों के सवालों को जवाब देने के लिए आज मैं यहाँ खड़ी। किसी और हालातों में शायद ये बात मैं चार दीवारों के अंदर कहती, कुछ गिने चुने लोगों के सामने कहती, लेकिन आज, आज नहीं। आज मैं जो भी कहूंगी ना सबके सामने कहूंगी, डरूंगी नहीं। हम मिडिल क्लास लोगों की एक आदत होती है, बहुत ही डरी डरी सी, सहमी सहमी सी जिंदगी जीते हैं हम लोग। मैं भी डरती थी, थोड़ी सी भी मुसीबत आ जाती ना तो मैं भगवान के सामने खड़ी हो जाती थी, उनकी प्रार्थना करती। मुझे लगता था कि बस अब सब कुछ खत्म, लेकिन फिर संभल भी जाती थी। और फिर इतने सारे सालों के तजुर्बे इकट्ठे करने के बाद आज पहली बार मैंने अपने मन से डर को निकाल कर फेंक दिया, क्योंकि मैं समझ चुकी हूँ कि डर कर कुछ नहीं होता, ना जिंदगी रुकती है ना मुसीबतें, तो फिर क्यों ना इस डर पर सवार होकर जिया जाए। और आज मैं वही कर रही हूँ। मेरी अर्चू की शादी गलत जगह हुई थी, उसका रिश्ता उसकी शादी टूटने पर है, लेकिन मैं डरी हुई नहीं हूँ। मैं पूरी उम्मीद के साथ अपनी बेटी के पीछे खड़ी हूँ। आप सब तो जानते हैं कि अर्चू मेरे लिए क्या है, लेकिन आप ये नहीं जानते कि वो मेरे इतनी नजदीक क्यों है। आज ये राज मैं आपको बताती हूँ। 30 साल पहले की बात है, आहो आठवते ना, ये और इनकी आई माझा सासू बाई सांगली शहर से मुझे देखने के लिए आए थे। मैं इतनी घबरा गई थी, लग रहा था अगर इन लोगों ने ना कर दिया तो। सच कहूं तो मुझे अपनी चिंता नहीं थी, मुझे चिंता थी मेरे आई बाबा की, अगर वो ये ना सह नहीं पाए तो। लेकिन मुझे धक्का तो तब लगा जब मेरी आई मेरे पास आकर बोली कि तू डर मत, तुझे लड़का पसंद है ना, तू अपनी चिंता कर और बिना किसी झिझक के अपना फैसला बता, और कोई साथ दे ना दे मैं तेरे साथ हूं। सच कहती हूं, मेरी आई की वो बातों से मेरे दिल का सारा बोझ उतर गया, और तब महसूस हुआ कि माँ बेटी का रिश्ता क्या होता। शादी के 3 साल बाद माँ गुजर गई, मैं अंदर ही अंदर टूट गई थी, एक खाली खालीपन सा महसूस होने लगा था। लेकिन जब मेरी पहली बेटी अर्चू का जन्म हुआ, पहली बार जब मैंने उसका चेहरा देखा, मेरा दिल प्यार से भर गया। वो खालीपन का एहसास जैसे खत्म हो गया, माँ बेटी का रिश्ता एक नए सिरे से शुरू हो रहा था। भूमिकाएं बदल गई थी, लेकिन प्यार और जज्बात वही थे, और वही प्यार ने, वही जज्बात ने आज तक मुझे और अच्छू को बांध कर रख दिया। आमतौर पर प्यार और फर्ज का धागा बच्चों को माँ बाप से बांध कर रखता है। पढ़ाई लिखाई, कपड़ा, स्कूल कॉलेज और फिर शादी तक की जिम्मेदारियां निभाई जाती है, और शादी के बाद बच्चे अपनी जिंदगी जीने के लिए आजाद हो जाते हैं। लेकिन एक आई की जिम्मेदारियां वहां खत्म नहीं होती, फर्ज से कई ऊंचा रिश्ता होता है। इसीलिए तो मैं आज अर्चना के साथ खड़ी। कहते हैं जहां किस्मत तक साथ छोड़ देती है वहां आई साथ देती है, और मैं भी तो वही कर रही हूं। किस्मत ने आज मेरी अर्चू को यहां लाकर छोड़ दिया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं अर्चू, मैं तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हें यहां से आगे ले जाऊंगी और जिंदगी भर तुम्हारा साथ दूंगी। पता है अर्चू, आज मुझे अपनी आई की बहुत याद आ रही है। अरे बहुत खुश होगी वो वहां पर, क्योंकि वो देख रही है ना कि उसकी बेटी खुश है। लेकिन आई, ये सारी खुशी तेरी वजह से तो है,
तुमने पापा से प्रार्थना की होगी मेरी झोली खुशियों से भरने के लिए। तो देख रही है ना कि तेरी बेटी की खुशी उसकी बेटी की खुशी में है, और आज तेरी बेटी भी तो एक आई है। आई सर, आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मेरा ये सारा परिवार मेरे साथ है और मैं उनके साथ हूँ। मुझे सलाह देने वाले और मुझे सवाल पूछने वालों को आज मैं बताना चाहती हूँ कि मैं आज भी अर्चना के साथ हूँ और उसकी जिंदगी में खुशियां लाकर रहूंगी। मेरी अर्चु की जिंदगी का एक दुख भरा किस्सा आज खत्म होने जा रहा है और खुशी के पल उसके सामने हाथ पसार कर खड़े हैं। अर्चना की शादी टूट गई लेकिन इसमें उसकी कोई गलती नहीं थी। जब भी किसी लड़की का एक रिश्ता टूटता है ना तो उसके दूसरे रिश्ते की बात बहुत छुप छुप कर की जाती है। कभी इज्जत के डर से, तो कभी किसी की नजर ना लगे इस डर से, तो कभी समाज के रीति रिवाजों के डर से। माँ बाप इस बात को इतना छोटा बना देते हैं कि उसका ठीक से आनंद ही नहीं उठा पाते। अरे अगर एक रिश्ता टूटकर बिखर गया है तो उसके लिए अगर दूसरा अच्छा साथी ढूंढकर जिंदगी में उसको दूसरी बार खड़ा करने में शर्म कैसी। और ये तो बहुत अच्छी बात है, और इसीलिए मैं ये बात सरेआम आपसे कह रही हूँ। अर्चना की जिंदगी का दुख का किस्सा खत्म हो गया है, उसके सामने एक नया रास्ता जिंदगी का खुल गया है। आज हमारी शादी की तीसरी सालगिरह का सबसे बड़ा तोहफा पापा ने हमें दिया है, सतीश को हमारे पास भेज कर। सतीश जैसा होनहार, संस्कारी और सुशील लड़का अर्चना का हाथ थामने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ा रहा है। कहते हैं कि भगवान अपने भक्तों की मदद करने के लिए खुद नहीं जा पाते तो अपने फरिश्तों को भेज देते, और ये सतीश हमारे लिए फरिश्ता ही है। और सिर्फ सतीश ही नहीं, सतीश की आई, सतीश के बाबा बहुत ही भले लोग हैं ये, और मुझे पूरा यकीन है कि मेरी अर्चु की जिंदगी उनके घर में संवर जाएगी। अपने नाती की खुशी देखकर तो खुश है ना आई, जी भर के दुआएं देती रहना मेरी अर्चु को, क्योंकि तू जानती है ना कि अर्चु की खुशी में ही मेरी खुशी है। अभिनंदन अर्चना, अच्छा मुझे ऐसा लगता है कि शादी की बात सुनकर वो शर्मा गई है। मैं सभी लेकर आती हूँ। आई, मैं अभी से लेकर आई। तू इस तरह वहां से भाग कर क्यों चली आई? वहीनी ये सब क्या है? ये सब क्या है वहीनी? कुछ गलत फहमी हुई है वहीनी। मैं कैसे इस रिश्ते के लिए? एक मिनट, कहीं तू इस रिश्ते को ना तो नहीं कहना चाहती? देख, गलत
गलती से भी ऐसी गलती करने की कोशिश मत करना। हम इस रिश्ते को ना नहीं कह सकते हैं, समझी तू? बहनी, आप खुद एक बार मेरी जगह आकर सोचिए। मैं कैसे हाँ कर सकती हूँ इस रिश्ते के लिए? क्यों, क्या प्रॉब्लम है इस रिश्ते में? अरे ना करने लायक इस रिश्ते में ऐसा क्या है, और किस रिश्ते की खातिर तू इस रिश्ते को ठुकराना चाहती है? कहीं मानव के साथ बना है उस खोखले रिश्ते की खातिर तो नहीं ना, जो किसी भी वक्त टूट कर बिखर जाएगा? और तू जरा सोच, उस रिश्ते ने तुझे अपमान, जिल्लत और दुख दर्द के सिवाय दिया क्या है? कुछ भी तो नहीं। और ये रिश्ता तुझे ढेर सारी खुशियां देगा, तेरी जिंदगी में खुशहाली ले आएगा, और उससे भी बढ़कर तेरी आई को खुशी देगा। और जो इस रिश्ते को ठुकराना पागलपन है, तेरी आई की सारी उम्मीदें इस रिश्ते पर आकर टिकी हुई है। अरे उन्हें तो पूरा विश्वास है कि तू उनके फैसले के खिलाफ कभी जाएगी नहीं, इसीलिए तो उन्हें बिना तुझसे कुछ पूछे, बिना तुझे कुछ बताए इतना बड़ा फैसला कर लिया और सबके सामने जाकर अपने दिल की बात बता भी दी। अगर तू ना कहेगी तो चार लोगों के बीच में उनकी इज्जत चली जाएगी, नाक कट जाएगी उनकी। आसमान में जब तक सितारे रहेंगे, हम एक दूसरे के सहारे रहेंगे। नजदीकियां क्या हो दूरियां, बस प्यारे।